उन पाथागढ़ में अपार्टमेंट के विजिट पे आए हैं, सवेरा ड्रीम्स, फर्स्ट फ्लोर वेस्ट ओपन अपार्टमेंट है और ये उसका ड्राइंग डाइनिंग है। और साथ ही पाउडर वॉशरूम भी दिया हुआ है। यहाँ से निकलते हैं तो राइट पे इसका स्टोर रूम दिया हुआ है, अच्छा स्पेस दिया हुआ है इसमें। और यहाँ से लेफ्ट पे फर्स्ट बेडरूम है, लाइटें लगी हुई हैं, इसमें वार्डरोब्स इसके अंदर दिए हुए, वॉशरूम के साथ दिए हुए वार्डरोब्स अंदर, बिल्ट इन है। थोड़ा छोटा मोटा काम है इसका, वो करवा देंगे ये। अच्छा, ये फर्स्ट बेडरूम से निकलते हैं तो ये लाउंज है और किचन दिया हुआ है, किचन के साथ ही ये वॉशिंग की स्पेस दी हुई है, वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, गीज़र भी इंस्टॉल्ड है इसमें। और यहाँ से हम सामने जाते हैं तो सेकंड बेडरूम है, इसमें भी वार्डरोब्स दी हुई हैं, ये बिल्ट इन है और ये अलग से दी हुई है वार्डरोब्स। अटैच बाथ, शॉवर एरिया दिया हुआ है, सेकेंड बेडरूम से निकलते हैं तो यहाँ साथ किचन के साथ थर्ड बेडरूम है, इसमें भी बिल्ट इन वार्डरोब्स दी हुई हैं, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। अटैच बाथ, ये शॉवर एरिया, ये इसमें काफ़ी अच्छी एमिनिटीज दी हुई हैं इस प्रोजेक्ट में। नीचे चिल्ड्रंस प्ले एरिया है और मस्जिद बनी हुई है, बहुत खूबसूरत रिसेप्शन बना हुआ है। 2-3 साल पुरानी बिल्डिंग है, ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग नहीं है ये, इसकी वेस्ट ओपन से ये आ रहा है बाहर का, ये नज़ारा सामने का ये है। और नीचे ये है कि स्पेस दी हुई है पार्किंग की, ग्राउंड पे भी है, बेसमेंट में भी है। अच्छा, ये इसका जो है ग्राउंड का एरिया है, 3 इसमें बड़ी खूबसूरत हाई स्पीड लिफ्ट लगी हुई है और इसमें एसी भी है। इस साइड पे जिम है, अभी क्लोज हुआ हुआ है। और ये मस्जिद का एरिया है और यहाँ पे वेटिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ सामने इंडोर गेम्स हैं, स्नूकर यहाँ पे आपको नज़र, और ये कॉन्फ्रेंस रूम है। और यहाँ से ये हम बाहर जा रहे हैं तो ये रिसेप्शन एरिया है, सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, ये सारा सीसीटीवी फुटेज आ रही है यहाँ पे। और ये इसका बाहर का एरिया है, ये मेन एंट्रेंस है, सामने बेसमेंट को रास्ता यहीं से जा रहा है।
ये पार्किंग एरिया है।